मेरे बच्चों, कई लोग अपने हाथ या फिर पैर में काला धागा बांधते हैं। कई लोग इसे शौकिया तौर पर पहनते हैं तो कुछ लोग इसे खुद को बुरी नजर से बचाने के लिए पहनते हैं। ज्योतिष विद्वानों के अनुसार काला धागा पहनने पर सभी लोगों को एक जैसे परिणाम नहीं मिलते। कुछ लोगों को इसके बांधने से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसीलिए आज मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूं काला धागा बांधने के नियम। अगर तुम्हें जानने हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, नहीं देखोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा, हो सकता है तुम्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें भूलकर भी काला धागा नहीं बांधना चाहिए, वरना उनके घर में अनिष्ट होते देर नहीं लगती। आइए जानते हैं कि काला धागा बांधने के क्या फायदे होते हैं, साथ ही किन लोगों को काला धागा बांधना चाहिए और किन लोगों को ये नहीं बांधना चाहिए। काला धागा बांधने के फायदे। पैर के अंगूठे में काला धागा बांधने से ज्यादा फायदा होता है। माना जाता है कि अंगूठे में काला धागा पहनने से नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर रहती है, साथ ही काला धागा पहनने से आप बुरी नजर से भी बच सकते हैं। पैर के अंगूठे में काला धागा बांधने से आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है, साथ ही इससे सकारात्मक परिणाम भी आपको मिलते हैं। काला धागा बांधने से आप बुरी नजर से बचे रहते हैं। इन राशि के लोगों को नहीं पहनना चाहिए काला धागा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष और वृश्चिक राशि वालों को काला धागा नहीं बांधना चाहिए। इन दोनों राशियों के स्वामी मंगल देव हैं जिनका रंग लाल है। मान्यता है कि मंगल का काले रंग से बैर है। ऐसे में अगर मेष राशि का कोई व्यक्ति काले रंग का धागा या कपड़ा धारण करता है तो उसे मंगल के दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं। इन दोनों राशियों के लोगों को लाल रंग का धागा धारण करना चाहिए, इससे उन पर मंगल की कृपा बरसती है। मैंने एक वीडियो में लाल धागा बांधने के फायदे भी बताए हैं, अगर तुम्हें जानने हैं तो इस चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगी, उसे देख लेना, तुम्हें फायदा होगा। काला धागा बांधने के नियम। पैर के अंगूठे में काला धागा पहनते हुए ध्यान रखें कि धागे में हमेशा गांठ लगाकर ही बांधे। जब भी काला धागा पहने तो इसे शनिवार के दिन ही पहने। यह दिन शनि देव को समर्पित होता है और काला रंग शनि देव को बेहद प्रिय है। इस दिन काला धागा बांधने से ज्यादा बेहतर परिणाम मिलते हैं, साथ ही काले धागे को 2, 4 या 6 के घेरे में बांधना शुभ होता है। अगर आपने हाथ में काला धागा पहना है तो फिर इसे पैर में बांधने की जरूरत नहीं है। आपने जिस हाथ में काला धागा बांधा है उसमें किसी और रंग का धागा बांधना वर्जित है। वहीं अगर आपने पहले से बांध रखा है तो फिर हाथ में काला धागा नहीं पहनना चाहिए। और बेटा, तुम्हें कोई और परेशानी है तो कमेंट करके बताओ, और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, तुम्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। और इस तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो।